Good morning, dear students. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. In last class, we started chapter number 16, that is interjections, right? Interjections ki hum logon ne vocabulary discuss kar li thi beta last class mein. And we also discussed what actually the interjections are, hai na? Hum logon dekha tha, sorry. We saw that this word, ouch, wow, oh no, these are the words which are interjections. ठीक है, what did we see in the last class? We saw that this word ouch, with this word wow, and this word oh no, right? These are what? These are interjections. और ये क्या करते हैं बेटा? ये express करते हैं. These express different feelings. ये different feelings को express करते हैं. ठीक है? जैसे in first sentence ouch. In that sentence we express our pain, यानी कि जब हमको किसी चीज से pain होता है, जब हमको किसी चीज से दर्द होता है, तो for that you can say ouch, ठीक है? When we praise someone, जब हम किसी को praise करते हैं, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, when we admire someone, ठीक है, या किसी को प्रोत्साहित करते हैं, तो for that purpose we use wow, ठीक है? Next is disappointment. Disappointment means was what dear students, sadness, यानी कि जब हम कभी दुखी होंगे. ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? ओ नो को यूज करते हैं और वहां पे हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. सो दीज ऑल वर्ड आर व्हाट? दीज ऑल आर इंटरजेक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, राइट? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी मस्ट नो, दैट इज एक्सक्लेमेटरी साइन. आफ्टर इंटरजेक्शन वर्ड्स, इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद में क्या लगाया जाता है बेटा? इंटरजेक्शन का मार्क लगाया जाता है. दिस साइन इज इंटरजेक्शन मार्क. इस साइन को ही क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन मार्क बोला जाता है. जैसे फुल स्टॉप होता है, कॉलन, सेमी कॉलन वगैरह होते हैं, इन द सेम वे ये इंटरसेक्शन के एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, जो कि आपको इंटरसेक्शन वर्ड्स के बाद मेंशन करना होता है. तो एक्सक्लेमेटरी साइन बेटा हमेशा ध्यान रखना है. फ्यूचर में भी आपसे क्लास फोर्थ फिफ्थ में टीचर ऐसे पूछ लेगी कि बताइए एक्सक्लेमेटरी का साइन बताइए क्या होता है, तो यू हैव टू टेल टीचर दैट टीचर द साइन इज समथिंग लाइक दिस, राइट? चलिए, तो ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था. दैट मीन्स वी ऑल वी डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन द लास्ट क्लास, राइट? सॉरी. चलिए, आज जो हमारे को डिस्कस करना है दैट इज सम स्पेशल नोट्स, राइट? So let's begin with that. Just a second. Yeah. Yes. So let's start with this now. The first point we have is some interjections are only sound words. देखिए, कुछ interjections क्या होते हैं? सिर्फ sound words होते हैं बेटा. They do not have a meaning. और इनका कोई meaning नहीं होता. देखिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सारे इंटरसेक्शन या हर इंटरसेक्शन का क्या हो, मीनिंग हो. जनरली जब आप कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो कार्टून्स वगैरह में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आते हैं बेटा. क्या उन साउंड का कुछ मतलब होता है? नो, दो साउंड्स डू नॉट हैव एनी मीनिंग, बट दो साउंड्स आर क्रिएटेड बाय एंड दो साउंड्स टेल्स यू द एक्सप्रेशन. जैसे मैंने कहा बो, राइट? अब यहाँ पे क्या है, लेट सपोज मैंने कोई बहुत बहुत हैवी सी या बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग सा या कुछ बड़ा सा, मैंने कुछ ड्रास्टिक सा कुछ देख लिया है, तो व्हाट आई विल से? बो, मतलब कुछ डरावना सा देख लिया है, तो फॉर दैट आई विल मेक ए साउंड बो. नाउ दिस डजंट हैव एनी मीनिंग, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है. ओ, अपन नहीं बोलते ओ नो, ओ शिट, तो वी यूज दीज थिंग्स, राइट? सो ओ these words do not have any meaning, but we use these words to express our feelings, right? This is our first point. चलिए second point पर आ जाइए. सब intersections are meaningful word, but कुछ intersections की meaning होते हैं बेटा. इट इज नॉट लाइक इन intersections की meaning नहीं होते, इन intersections की meaning होते हैं. Like examples are help. Whenever we need help, तो how we shout? We shout help, help, help. ठीक है? तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? जब आप help, help चिल्ला रहे हैं, that is interjection. Come on, let's suppose क्या हुआ कि आपकी English का period था अभी, मतलब English का lecture था, school चल रही है और आपकी grammar की class थी, ठीक है? और next lecture जो है आपका किसका होने वाला है? Games का होने वाला है, ठीक है? तो जैसी बेल बजेगी, जैसी बेल रिंग करेगी, आप लोग सब क्या होगे? भाग के खड़े हो जाओगे कि चलो गेम्स का पीरियड है तो प्ले ग्राउंड में जाएंगे, प्ले करेंगे. तो व्हाट हैपन कि जैसी बेल रिंग हुई, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ,
गया गेट पे और वो क्या बोल रहा है, कम ऑन एवरी वन लेट्स गो टू दी प्ले ग्राउंड. कम ऑन मतलब कि सब लोग आ जाओ. क्या कह रहे हैं वो कि कम ऑन मतलब सब लोग जल्दी से आ जाओ. अपन लोग कहाँ जाने वाले हैं, अब प्ले ग्राउंड में जाने वाले हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए. Sometimes intersections have more than one word. देखिए ऐसा कंपल्सरी नहीं कि एक इंटरसेक्शन में एक ही वर्ड हो. जैसे यहाँ पे भी आप देखो, कम और ऑन दो वर्ड आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, राइट. इन द सेम वे यहाँ पे भी मल्टीपल मीनिंग आ सकते हैं. जैसे ये वेल अलग आ जाएगा और डन अलग आ जाएगा, तो इसके दो मीनिंग मतलब दो वर्ड आ सकते हैं. ठीक है, गुड अलग आ जाएगा बेटा और हेवन अलग आ जाएगा. ठीक है, तो एक ही इंटरसेक्शन में मल्टीपल मीनिंग्स आ सकते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसमें मल्टीपल मीनिंग्स नहीं आ सकते हो. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरसेक्शंस, राइट. दिस इज वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर एंड्स. यस्टरडे आल्सो हम लोगों ने मतलब 5 या 10 मिनट की क्लास हुई थी और आज भी हमारी 5 से 10 मिनट की क्लास हुई और चैप्टर पूरा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है. इट इज दैट सिंपल चैप्टर. I hope that you all have understood what actually the intersections are. I will be sending you the answers, right? On WhatsApp group, I will be sending you answers. So you have to copy and paste them in your book, right? And not only copy and paste, just understand them as well, right? Okay, so that's all for today's session. Thank you everyone for attending it. Bye-bye. Have a great day.